Hello everyone. आज की हमारी जो क्लास है वो वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन पे बेस्ड है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, राइट? तो ये हम सीखेंगे। उससे पहले देखिए, एसएससी का अनअकैडमी एसएससी कॉम्बेट है, ठीक है? अनअकैडमी एसएससी कॉम्बेट है, 19 तारीख को होगा। इस बार का हमारा जो कॉम्बेट है ये थोड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि यहाँ पर 100% की स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो कोड आपको यूज़ करना है वो है यहाँ पर PC 2021। PC 2021 कोड का आपको यूज़ करना है। आप जब अनअकैडमी का कोई भी कॉम्बेट देंगे, पहली बार देंगे, यहाँ पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल रही है। आप यहाँ पे जो भी आपकी रैंक आएगी, 1 से लेकर 3000 तक की अगर आपकी रैंक आती है, तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। तो इस बार 19 तारीख को कॉम्बेट देना ज़रूरी है सभी को। और आपसे जो कोड पूछेगा तो कोड में आप PC 2021 आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो आज की हमारी क्लास स्पेशली डेडिकेटेड फॉर वर्ड फॉर्मेशन एंड पेयर फॉर्मेशन, ठीक है? किस तरीके से वर्ड्स का फॉर्म किया जाता है और किस तरीके से पेयर फॉर्म किया जाता है, ये हम सीखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि फोटोसिंथेटिक आपको एक शब्द दिया गया है। पहला शब्द है फोटोसिंथेटिक, ठीक है? अब आपसे पूछा गया है कि एक जो ये चार वर्ड आपको यहाँ पर गिवन है, इसमें से कौन सा वर्ड है जो फोटोसिंथेटिक से बनाया नहीं जा सकता? बताइए कौन सा वर्ड है जो फोटोसिंथेटिक से बनाया नहीं जा सकता? कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, बताइए। और जिन जिनको स्लाइड ठीक से विजिबल नहीं है, आप एक बार अपना साइट का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लेना, 360p पे कर लीजिए, स्लाइड एकदम बढ़िया आपको विजिबल होगी। तो बताइए फोटोसिंथेटिक से इनमें से कौन सा शब्द है जो हम नहीं बना सकते, बताइए। हम यहाँ पर प्रोन नहीं बना सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रोन में आर गिवन है, जबकि बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोलता है कि प्रोस्पेक्टिव से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, बताइए। प्रोस्पेक्टिव से कौन सा शब्द है यहाँ पर जो नहीं बनाया जा सकता? प्रोस्पेक्टिव से बताइए। बी, यस, पीपर हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 3 बार पी का यूज किया गया है, जबकि ओरिजिनल वर्ड में केवल 2 ही बार पी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बताइए। आगे बताइए बच्चे, कौन सा यहाँ पर शब्द है जो हम अप्रोक्सीमेटली से नहीं बना सकते, बताइए। कौन सा शब्द अप्रोक्सीमेटली से नहीं बन सकता? बताइए कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? जिनको भी स्लाइड क्लियर विजिबल नहीं है, आप एक बार रेजोल्यूशन बच्चे कम से कम 360p पे कर लो, तब आपको ठीक से विजिबल होगा। तो हम यहाँ पर अप्राइज नहीं बना सकते, क्योंकि अप्राइज में बच्चे एस गिवन है और हमारे रूट वर्ड में एस नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता? बताओ लिबरेशनिस्ट से कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते हैं? तो लिबरल नहीं बना सकते, क्योंकि लिबरल में 2 बार एल का यूज किया गया है, जबकि हमारा जो रूट वर्ड है लिबरेशनिस्ट, इसमें 1 ही बार एल है। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताओ
ऑटोग्राफ बताओ, ऑटोग्राफ से हम क्या नहीं बना सकते? बताइए, ऑटोग्राफ से क्या नहीं बन सकता? जो भी न्यू स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन करेंगे, वहाँ से आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं इसी तरीके से नए नए टॉपिक आपको अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ। और आजकल हम MTS ग्रुप डी और GD के लिए एक स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है सुबह 10 बजे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा। तो उसे ज्वाइन करने के लिए मेरी प्रोफाइल का लिंक आप ज़रूर ओपन करें डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है? देखिए, तो अब हम ऑटोग्राफ्स में ग्रेट नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रेट में ई गिवन है जबकि ऑटोग्राफ में ई गिवन नहीं है, ठीक है? तो मेरी प्रोफाइल का लिंक ओपन करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करेंगे, प्रतिमा चौहान नाम से, ठीक है? वहां पे मुझे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बताओ बच्चे, अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड। बताइए क्या है जो बनाया जा सकता है, न्यूज़पेपर से हम क्या बना सकते हैं, बताओ। कौन सा शब्द है जो हम यहाँ पे बना सकते हैं? वास्प बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वास्प हम बना सकते हैं क्योंकि वास्प का WASP सबका सब इसमें गिवन है। स्वीट में टी गिवन नहीं है, रिपीट में आपको यहाँ पर टी गिवन नहीं है, सोर का आपको यू गिवन नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे नेक्स्ट बताओ, अब एनवायरनमेंट से कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, बताइए। एनवायरनमेंट से कौन सा शब्द है बच्चे जो हम बना सकते हैं इसमें, बताओ कौन सा शब्द यहाँ पर बनाया जा सकता है। बताइए, ए एमिनेंट, एमिनेंट पर्सनालिटी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी, प्रसिद्ध पर्सनालिटी, ठीक है? तो उसके लिए उसका वर्ड है एमिनेंट, तो हम इससे एमिनेंट बना सकते हैं क्योंकि एमिनेंट का EMINENT सबका सब इसमें प्रेजेंट है। एंट्रेंस का आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर सी गिवन नहीं है, एंटरटेनमेंट में यहाँ पर 2 T हैं वो गिवन नहीं है, मूवमेंट में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 M आपको गिवन नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है इमीडिएटली से, बताइए। इमीडिएटली से कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, बताओ। इमीडिएटली से कौन सा शब्द हम यहाँ पर बना सकते हैं, बताओ। सी देखिए, लिमिटेड, LIMITED, तो लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड हम बना सकते हैं। डायमीटर यानी कि व्यास नहीं बना सकते, डिक्टेट करना नहीं बना सकते, डायलेक्ट नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, लिमिटेड, बहुत बढ़िया, लिमिटेड बना सकते हैं। सही आंसर दिया है, यस सही आंसर यहाँ पर सबने, भानु प्रताप, पिंकी, प्रीत, SK, अक्षिता, प्रीत, राजकुमार एंड उत्सव। चलिए इंटेलिजेंसी से बताइए कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द है बच्चे इंटेलिजेंसी से जो बनाया जा सकता है, बताइए। डी नेगलेक्ट, बहुत बढ़िया, नेगलेक्ट करना किसी को अनदेखा कर देना, किसी को अवॉइड कर देना, वो होता है नेगलेक्ट, तो नेगलेक्ट हम बना सकते हैं इंटेलिजेंसी से। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेटिक, कौन सा शब्द है जो एरिस्टोक्रेटिक से बनाया जा सकता है, बताइए। कौन सा शब्द है बच्चे
जो एरिस्टोक्रेटिक से बनाया जा सकता है? बताइए। हाँ बी स्टैटिक। बहुत बढ़िया। स्टैटिक हम इससे बना सकते हैं। स्टैटिक यानी कि स्थिर होना और डायनामिक यानी कि चेंज होते रहना। तो स्टैटिक हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आपने ये सब तो सीख लिया कि कैसे हम शब्दों को बना सकते हैं और कौन सा शब्द है जो नहीं बना सकते। तो किसके लेटर, जिसके भी लेटर रूट वर्ड में प्रेजेंट नहीं होंगे वो हम नहीं बना सकते, जिसके प्रेजेंट होंगे वो बना सकते हैं। अब ये नए तरीके का है। आपसे यहाँ पे बोला गया है अगर मैं हर शब्द के आगे एक लेटर को ऐड कर दूँ और वो लेटर कौन है, टी आर पी बी, इनमें से कोई सा भी एक लेटर लो और उसे इन सभी शब्दों के आगे ऐड कर दूँ, तो जिससे भी सारे शब्द एक मीनिंगफुल शब्द बन जाएं, यानी कि जिनका जिनका कोई मीनिंग हो, तो बताइए वो कौन है, वो कौन सा शब्द है जिसका कोई मीनिंग हो, बताओ। तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है पी। पी आंसर आ रहा है। पी इज द करेक्ट आंसर। यस। अब यहाँ पे जैसे पी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी लिखा है ना, तो पी से आप देखिए पिंच बना सकते हैं। पिंच मतलब चुटकी भर, ठीक है। आप पी से पियर बना सकते हैं। पियर मतलब नाशपाती। आप पेयर बना सकते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। और आप पाल्म बना सकते हैं। पाल्म मतलब हथेली। तो ये चारों ही, ये सारे के सारे शब्द आपके मीनिंगफुल शब्द बन गए। पिंच मतलब चुटकी, पियर मतलब नाशपाती, राइट, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, और पाल्म होता है हथेली। तो ये सारे शब्द आपके मीनिंगफुल शब्द बन गए जब हमने इसके आगे एक लेटर पी को ऐड किया, ठीक है। यस, क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है बच्चे, नेक्स्ट देखो। आप में से जो भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, कोड आपको यूज करना है ये जो आपकी स्क्रीन पे है, PC2021, PC2021 कोड का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आपके सामने यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं। अब इन लेटर्स में से आपको कोई ऐसे तीन लेटर चूज करने हैं और उनसे आपको तीन शब्द बनाने हैं, और वो तीन शब्द जो होंगे, वो तीन शब्द में से कोई एक ऐसा लेटर, एक ऐसा कॉन्सोनेंट जो कॉमन होगा, तो वो कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें से चूज करके तीन शब्द बनाइए, 1 2 3। अब उन तीनों शब्दों में एक कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, कॉन्सोनेंट पता है ना, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट बचे वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट में आप बताइए वो कौन सा कॉन्सोनेंट है जो तीनों में आएगा, कॉमन है, बताइए कौन कौन से। पिंकी यादव का यहाँ पर रिप्लाई आ गया है। पिंकी यादव, पिंकी यादव का रिप्लाई आया है। बाकी पिंकी यादव का मैसेज आया है, ठीक है। राजकुमार ने डी बोला है। नो 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 नो, देखिए यहां पर आप बना सकते हैं फ्राई, है ना, FRY, फ्राई। फिर आप ड्राई बना सकते हैं, DRY, और आप एक ट्राई बना सकते हैं, यानी कि देखो फ्राई करना किसी को तल देना, ड्राई करना किसी को सुखा देना, और ट्राई मतलब कोशिश करना, है ना। अब इन तीनों में बताइए कौन सा है जो कॉमन है कॉन्सोनेंट। तो एक कॉन्सोनेंट आर है, एक कॉन्सोनेंट वाई है। तो वाई तो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन आर यहाँ पर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर
सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि आर तीनों में कॉमन है। क्लियर हुआ कैसे करना है हमने? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, आपके सामने यहाँ पर तीन शब्द दिए गए हैं। अभी इन शब्दों का मीनिंग है भी और नहीं भी, लेकिन इनके आगे आपको इनमें से ए बी सी डी में से कोई एक लेटर चूज करना है और वो लेटर आपको इनके लास्ट में लगा देना है। उसके बाद ये एक शब्द बन जाएगा, मीनिंगफुल शब्द बन जाएंगे तीनों। तो बताइए वो कौन सा है? के नहीं है, के नहीं होगा, नहीं के नहीं होगा, नो, एस भी नहीं होगा, यस, पिंकी एंड रागिनी। पिंकी और रागिनी का ठीक है, भानु प्रताप का भी ठीक है, टी होगा। उत्सव का भी ठीक है। देखो आपको इनके लास्ट में टी ऐड करना है, तो ये बन जाएगा पार्ट, ये बन जाएगा मार्ट और ये बन जाएगा कार्ट। तो कार्ट मतलब भी गाड़ी, मार्ट मतलब शॉपिंग मॉल होते हैं और पार्ट मतलब हिस्सा। तो ये तीनों एक मीनिंगफुल शब्द बन गए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा जिसमें आपको सबके आगे टी ऐड करना है। अब देखो के वाले सुनो, पार्क बन जाएगा, मार्क भी बन जाएगा, लेकिन कार्क नहीं बनेगा बच्चे, कार्क कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमने के ऐड नहीं किया। हमें एक ऐसा लेना था जो तीनों में बने, जो तीनों को मीनिंगफुल बनाए। आओ चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताइए, ऐसे यहां पर ऐसा कौन सा लेटर है जो केवल एक ही बार यूज किया गया है? बताओ ऐसा कौन सा लेटर है जो एक ही बार यूज किया गया है? H, H, बिल्कुल सही। आप देखिए S यहाँ पे एक और एक दो बार यूज है, ये नहीं होगा। K यहाँ पर एक दो, ये भी नहीं होगा। P देखिए, P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, ये भी नहीं होगा। लेकिन H, H आपको सिर्फ शार्क में दिखेगा। यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पर भी H नहीं है। तो एक ऐसा लेटर H है जो तीनों शब्दों में सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक ऐसा शब्द बताइए जिसके सारे के सारे लेटर उस शब्द में प्रेजेंट हो। कौन सा शब्द होगा वो? एस्फाल्ट। तो देखेंगे एस्फाल्ट के जितने भी लेटर्स हैं ये सभी आपको फ्रेज और इलेट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए।
अगर इन सभी अल्फाबेट्स को हम सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो कौन सा मीनिंगफुल शब्द बनेगा बताइए। बताइए अगर इन सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखें तो बताइए कौन सा शब्द है जो मीनिंगफुल बनेगा। क्या शब्द बनेगा? पिंकी, राजकुमार, टीचर। बहुत बढ़िया, यस। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे है 20 5 1 3 8, 5 1, ठीक है। अब 20 की पोजीशन क्या होती है? टी। 5 प्लेस वैल्यू ई की होती है, ये ए, यहाँ पर ये सी, और ये एच होता है 5 यानी कि ई, और ये 18 ये आर, तो ये हो गया टीचर, ठीक है। तो टीचर बन जाएगा, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। यहाँ पर भी अगर हम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चलें, जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं उन सबकी प्लेस वैल्यू लिखें, तो ये बताइए कौन सा शब्द है जो एक मीनिंगफुल शब्द बनेगा। बताओ कौन सा शब्द एक मीनिंगफुल शब्द यहाँ पे बन जाएगा। एलजेब्रा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर अगर इन सब की प्लेस वैल्यू मैं अगर लिखती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा? एलजेब्रा। ये देखिए ए एल, ठीक है, ये जी ई बी आर ए, तो एलजेब्रा बन गया। एलजेब्रा आपका एडवांस मैथ में आता है ना टॉपिक। नेक्स्ट, इससे कितने मीनिंगफुल शब्द बनेंगे बताइए। बताओ इससे कितने मीनिंगफुल शब्द बनेंगे यहाँ पर। बताइए। इससे बनेगा होम, सिर्फ एक मीनिंगफुल शब्द बनेगा होम। नेक्स्ट सुपरफ्लियस, ठीक है। अब बताइए सुपरफ्लियस का पहला यानी कि एस, फोर्थ ई, सेवेंथ एल और 11th। ठीक है, अब बताइए इससे कितने मीनिंगफुल शब्द बनेगा और उसका पहला लेटर क्या होगा। इससे कौन सा मीनिंगफुल शब्द बनेगा और उसका पहला लेटर क्या होगा बताओ। क्या बनेगा? लेस,
यस, इससे आपका बन जाएगा लेस। और पहला लेटर क्या होगा उसका? एल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी। अब यहां पर आपसे बोला गया है डिप्लोमेसी, ठीक है? तो ये बताइए कि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने पेयर्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में भी सेम उतने ही होंगे, बताइए। यहां पर कितने ऐसे पेयर हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में भी सेम वैसे ही हैं? सॉल्व करो और आंसर बताओ। बताइए। देखिए, डी से स्टार्ट करते हैं। कैसे इसमें काउंट करते हैं? डी, ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ नहीं आया, आई जे के एल एम, तो एक ही आ गया एम, ठीक। एन ओ पी नहीं आया, पी क्यू आर एस टी यू वी एल ओ, ठीक है, तो ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ नहीं आया। आगे देखेंगे, अब उल्टे से स्टार्ट करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी, ठीक, पी क्यू आर ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ, बस। तो कितने आ गए? एक दो तीन चार, फोर आ गए, फोर। तो फोर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, फोर आएंगे, ठीक है, फोर आएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आई से एम तक बनेगा एक पेयर, आई से एम के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में भी हमारे तीन लेटर्स होते हैं, और यहां पर भी आई से एम के बीच में तीन लेटर्स हैं, तो ये हो जाएगा एक पेयर आ जाएगा आई और एम, एक पेयर पी एम, एक पेयर एल ओ, और एक पेयर यहाँ पे आई और सी, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ये कहता है कि इस पूरे शब्द में इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है ना कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ई एफ जी एच, ऐसे चलता है। तो जितने लेटर्स का गैप उसमें होता है, उतने ही लेटर्स का गैप यहाँ पर भी है, ऐसे कितने पेयर हैं? तो आप यहाँ पे चेक करो, जब हम इंग्लिश अल्फाबेट करते हैं तो आई जे के एल एम ऐसे ही लिखते हैं, तो आई से जब हम एम में जाते हैं तो बीच में तीन शब्द तीन लेटर आते हैं, यहां पर भी जब आई से हम एम में जाएंगे तो बीच में तीन लेटर आ गए ना, वही किया है यहां पर, ठीक है। अच्छा, एल से ओ नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे लो फ्लोर कर दिया मैंने इसको बाय मिस्टेक, ऑपोजिट पेयर्स हो गया, हाँ एल ओ नहीं होगा, वो मैंने बाय मिस्टेक लो फ्लोर कर दिया, जैसे इंग्लिश में ऑपोजिट पेयर्स होते हैं ना, वो हो गया, वो नहीं होगा, एल ओ नहीं होगा, तो तीन होंगे, यस थ्री ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। चलिए, पॉपुलेशन में बताइए। पॉपुलेशन में देखिए, यहां पे लिखा है पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन, बताइए पॉपुलेशन में कितने होंगे? बताओ,
पॉपुलेशन में कितने होने चाहिए? हुआ किसी का? किसी का हुआ? सेवन चेक करते हैं। पी पी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पी क्यू आर एस टी U V W X Y नहीं होगा, तो O P एक, Q R S T O से दो, U V W नहीं होगा, P Q R S T U V W नहीं होगा, U V W X Y Z नो, L M N O P Q A B C D E नहीं, T U V W नहीं, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, अब N से O, P Q R S T U V, ठीक है? O P Q R S T U I J K L M N O P, ठीक? अब ओ पी एक यहां से और ए बी सी डी ई और है और नहीं, एल एम एन ओ एक यहां पे भी है, एल से ओ पी, तो एल से पी एक और है, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहां देखिए कितने आएंगे टोटल, एक दो ऊपर है दो और नीचे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, सही आंसर होगा सेवन प्लस, ठीक है? तो इसी तरीके से हम अब क्लास की टाइम टेबल मैं आपको यहां पे बता देती हूं। क्लास के टाइम टेबल सुनिए बच्चे, सभी बच्चे, देखो स्पेशल क्लास होती है हमारी, ये फ्री होती है सभी के लिए। एक क्लास होती है सुबह 10 बजे, एक होती है दिन में 11 बजे, फिर एक रात में होती है 8 बजे। ये तीन क्लासेस हैं हमारी जो स्पेशल हैं, फ्री हैं सभी के लिए। प्लस पे क्लास होती है मेरी एक 6:30 बजे, एक रात में 9 बजे, ये दोनों क्लासेस प्लस में हैं, ठीक है? यूट्यूब पे डेली लाइव आती हूँ मैं 4:30 बजे, तो ये क्लास हमारी 4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। आप में से जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, कोड आपको एक ही यूज करना है, PC 2021, PC 2021। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, UPPCS, MPPCS, किसी भी स्टेट का PCS हो, ठीक है, 10th 12th कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, CBSE का, NEET IIT कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसके लिए एक ही कोड यूज़ करना है, PC 2021, PC 2021 कोड का यूज़ करना है, ठीक है? आप में से जिसने भी अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है, वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो ज़रूर कर लेना।
ठीक है, एसएससी एग्जाम सेक्शन में प्रतिमा चौहान नाम से सर्च करेंगे और वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करना, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करना और वहाँ से आप मुझे फॉलो करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आपको अनअकैडमी वाली, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्पेशल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस मेरी इस वक्त दिन में 3 बार हो रही हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं अक्टूबर से, आपका GD का, MTS और ग्रुप डी का स्पेशल सीरीज़ है ये, सुबह 10 बजे वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर है, या फिर MTS का आपका पेपर है, GD का पेपर है, तो ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सीरीज़ करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। क्लासेस आप मेरी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल कहीं से भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास मेरी, नेक्स्ट क्लास कब है, 6:30 बजे है अनअकैडमी प्लस पे, तो मेरा जो प्लस बैच है उसे ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा PC2021, PC2021, ठीक है। प्लस लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, एक तो डेडिकेटेड तैयारी करने को मिलेगा, आप किसी भी क्लास को फिर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी बने बनाए नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, इसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। इन सभी बेनिफिट्स को यूज़ करने के लिए, अवेल करने के लिए कोड यूज़ करेंगे PC2021। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।